हे गाइस, बात करने वाले हैं यहाँ पर सनाया रानी और दर्शी धामी के बारे में। दोनों की जोड़ी की बात करें तो सुपर डुपर हिट जोड़ी है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों ऑनलाइन अगर देखा जाए तो ऑन स्क्रीन ये दोनों तो ऐसे देखने को नहीं मिले, पर ऑफ स्क्रीन दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। ऑफ स्क्रीन अगर बात करें तो दोनों की अगर आप लोगों ने बॉन्डिंग देखी होगी तो दोनों अपने सोशल हैंडल पर एक दूसरे की फ़ोटोज अपलोड किया करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी नज़र आते रहते हैं, काफ़ी पार्टीज़ में नज़र आते हैं, तो कहीं दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए भी नज़र आते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए कि ऑन स्क्रीन अगर ये जोड़ी दिखी हो तो नहीं, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, फैंस की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर ये दोनों जोड़ी एज अ सिस्टर्स के तरीके से देखने को मिले, एज अ सिस्टर्स कैरेक्टर में देखने को मिले तो आपका क्या कहना रहेगा। डेफिनेटली बहुत कमाल करेगी ये जोड़ी, क्योंकि दोनों ही अपने फील्ड में काफ़ी कुछ अचीव कर चुकी हैं। टीवी इंडस्ट्री में बहुत ही जाना माना चेहरा है। सनाया रानी की बात करें तो वो भी, दृष्टि धामी की बात करें तो वो भी, और ऐसे में अगर ये दोनों एक साथ नज़र आती हैं तो डेफिनेटली बहुत हाईएस्ट टीआरपी लेकर आएगा वो प्रोजेक्ट जहाँ पर ये दोनों साथ में नज़र आएंगी। दोनों ही टीवी से दूरी बनाए हुए हैं और अभी तक दोनों टीवी पर नज़र नहीं आई हैं, लेकिन लगातार डिमांड जो चल रही है वो उनको टीवी पर देखने की ही चल रही है। लेकिन फिलहाल दोनों ऐसा कोई डेली शो जो नहीं है जो कास्ट किया हो, दोनों ने जहाँ कास्ट करी गई हो या जो कोई साइन किया हो, ऐसा अभी तक खबर सामने नहीं आई है। पर इन दोनों को लेकर जो डिमांड चल रही है वो यही कि दोनों एक साथ नज़र आनी चाहिए। फिलहाल तो सनाया रानी के न्यू प्रोजेक्ट को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं उसे उम्मीद करी जा रही है कि बहुत जल्द उनके फैंस के लिए सरप्राइज़ है, वो बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है न्यू प्रोजेक्ट के जरिए। वहीं बात करें अगर हम दृष्टि के बारे में तो हो सकता है उसी प्रोजेक्ट में दृष्टि धामी भी नज़र आ जाएं, यही वजह रही हो कि इन दोनों के लेकर खबरें सामने आ रही हैं या इन दोनों को लेकर फैंस एक्साइटेड रहते हैं। और इन दोनों की जोड़ी की अगर बात करें तो ऑफ स्क्रीन दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, क्लोज़ फ्रेंड हैं, तो ऐसे में मेकर्स को भी सोचना चाहिए कि ये जोड़ी, ये बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी इन दोनों की अगर इनको ऑन स्क्रीन लेकर आया जाए तो। क्या कहना है आपका इन दोनों की जोड़ी पर? क्या इन दोनों को आप एज अ सिस्टर देखना चाहते हैं? क्या यहाँ पर एज अ फ्रेंड देखना चाहते हैं? किसी भी तरीके से जोड़ी कास्ट करी जा सकती है। सो कमेंट करके एक्साइटमेंट जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।